साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम अकबर के बारे में बात करेंगे। तो दो निवेदन करूंगा, एक तो आपने हुमायूं और बाबर का वीडियो यदि नहीं सुना हो तो उसको जरूर सुन लें। अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर जो है 1556 से लेकर के 1605 तक राजा रहा मुगल शासन का। पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानू। 14 फरवरी 1556 में राज अभिषेक हुआ। अकबर जब 14 साल का था तब उसको राजा बना दिया था। 14 साल की उम्र में ये बादशाह बन गया था। और एक बैरम खां था, बैरम खां वजीर था पहले इनके शासन में, हुमायूं के शासन में। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद 14 साल की उम्र में अकबर को राजा बना दिया था। बैरम खां के संरक्षण में ये राजा बना और बैरम खां ने सारी राज व्यवस्था को चलाया। इसी बीच क्या होता है, एक जलालुद्दीन का सेनापति था जिसका नाम था हेमू। अब ये पंजाब क्षेत्र में रहते हैं, ये 14 साल का बादशाह रहता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस बीच में दिल्ली का जो शासन है उस पर कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता। ये हेमू क्या करता है कि वहाँ पे दिल्ली में आक्रमण करता है और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है, दिल्ली का राजा घोषित कर देता है और अपने आप को विक्रमादित्य घोषित कर देता है। तो जैसे ही हेमू दिल्ली पे शासन व्यवस्था पे कब्जा करता है तो उसके बाद से जो अकबर और जो बैरम खां थे उनको पता चलता है। तो उसके बाद अकबर और बैरम खां दोनों आते हैं और उसके बाद से फिर हेमू के साथ में युद्ध होता है और बैरम खां जो है इस युद्ध में हेमू को मार देता है, उसका सर काट देता है। इसके बाद से पुनः जो है अकबर दिल्ली का राजा घोषित किया जाता है और उसके बाद से पुनः मुगल शासन का राज व्यवस्था कायम हो जाता है। ये हेमू जो है ये हिंदू शासक था। अब उसके बाद से साथियों क्या होता है कि जो बैरम खां होता है, जैसे ही अकबर बड़ा होता है उसके हिसाब से इसके खिलाफ भी जो राजदरबार में कुछ लोग हैं, क्योंकि बैरम खां जो है वजीर था तो उसका बहुत बड़ा हस्तक्षेप था, तो वो लोगों को भड़काना शुरू करते हैं। और फाइनली 1556 में जब राजा बनता अकबर, उसके बाद से अकबर भी उनको कह देता है कि आप जो है मक्का मदीना की यात्रा पे चले जाइए, और फिर वो जाने को तैयार हो जाता है। जैसे वो जाता है तो गुजरात का में एक राजा होता है, वो भी मुस्लिम शासक होता है, वो उसको जो है युद्ध करता है और उसको मार देता है। मारने के बाद से 1560 में बैरम खां की कहानी ख़त्म हो जाती है और अकबर का शासन शुरू हो जाता है। अकबर स्वतंत्र रूप से शासन चलाने लगता है। और साथियों 1561 से लेके 1564 तक ये कहा जाता है कि अकबर बच्चा था, बच्चा कैसे कहेंगे, मतलब वो वयस्क तो हो गया था मगर वो युवा था, और बैरम खां की हत्या हो गई थी। तो उस समय जो इनकी दादी माँ थी, दाई माँ थी, जो इसकी परिवार की जो महिलाएं थी उनका शासन में काफ़ी बड़ा हस्तक्षेप हो गया था। इसलिए 4 साल के शासन को इसको पर्दा शासन कहा जाता था या पेटीकोट का शासन कहा जाता था। 1564 के बाद जो है ये अकबर जो है इस इनके दबाव से या इनके प्रभाव से बाहर हो जाता है। 1564 से फिर स्वतंत्र विस्तार की लड़ाइयाँ शुरू कर देता है। इसके बाद ही अकबर सबसे पहले मालवा पर आक्रमण करता है और 1561 में मालवा को जीत लेता है। और 1561 में ही पुनः चुनार का जो किला था, चुनार का जो क्षेत्र था उसको भी जीत लेता है। इसके बाद से 1564 में ये गोंडवाना राज्य होता है, जिस राज्य का राजा ख़त्म हो जाता है तो वहाँ की रानी होती है जिसका नाम था रानी दुर्गावती, वो अपने 3 वर्ष का जो पुत्र था उसको राजा घोषित करके वो रानी राज्य कर रही थी। उसको हरा देते हैं, उसको जीत लेते हैं। और इसकी कहानी है साथियों कि रानी को फाइनली आखिरी में समझ में आ गया था कि अगर मैं जिंदा रहूँगी तो मुझे ये ले जाएंगे, मेरे साथ यातना देंगे या मेरे से शादी करेंगे। इसलिए उसने जो है उसी समय अपने सेनापति को बोला कि मुझे मार दो, तो सेनापति ने नहीं मारा। तो फिर इसने खुद अपने हाथ से अपने को तलवार मार के अपना जीवन लीला ख़त्म कर लिया था रानी दुर्गावती ने आखिरी में। तो ये बड़े ही दर्दनाक था, रानी दुर्गावती का शासन ख़त्म हो जाता है
और यहाँ पे अकबर का जो राज्य शासन चालू हो जाता है। उसके साथ ही साथ ही राजपूतों से जो अकबर का था, अकबर ने राजपूतों को बड़ा खतरा था, अकबर को भी ये बात समझ में आ रही थी कि राजपूतों का के साथ मेरे को बहुत ही अच्छी स्थिति के साथ निपटना है, नहीं तो फाइनली मेरी शासन व्यवस्था जो गड़बड़ करेंगे वो राजपूत करेंगे। तो उसने राजपूतों के लिए योजना बनाई, जिसमें उसने तीन तरीके की योजना बनाई। पहली योजना ये बनाई कि विवाह किया, जो राजपूत थे उनकी जो लड़कियां थीं उनके साथ में विवाह किया, हमारे अधीन हो जाएगा मगर राजा आप ही रहो। तो पहला उसने टैक्टस लगाई विवाह की, उसने फिर विवाह भी किए बहुत सारे, आगे हम बताएंगे। दूसरा जो वो टैक्टस लगाया वो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करना। कुछ राजाओं को बोला कि आप स्वेच्छा से हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, तो आप राजा आप ही रहो मगर हमारी अधीनता हमारी स्वीकार कर लो। तो इस तरीके से बहुत सारे राजाओं ने जो है इनकी जो अधीनता है उसको स्वीकार कर लिया, और उसके अलावा जो बचे हुए थे उनको युद्ध करके अपने साथ मिला लिया। जो बच गए थे इसके अलावा उनको युद्ध करके अपने साथ मिला लिया। तो ये तीन तरीके की जो रणनीति थी वो अकबर ने अपनाई राजपूतों के बारे में, वो इस रणनीति से वो राजपूतों को क्रैश करने में सफल हुआ, और राजपूतों का जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने में सफल हुआ। आबेर एक क्षेत्र था जिसका जो कछवाहा राजपूत थे उस क्षेत्र में, उसका राजा था भारमल। तो उसने भारमल की जो पुत्री थी उसके साथ शादी की, जिसका नाम था हरकाबाई, बाद में इसको जोधाबाई भी कहा गया, जो अकबर की पत्नी थी। तो इसके साथ विवाह किया, इस प्रकार से इस क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लेता है। उसके अलावा मेवाड़ में, चित्तौड़ में, वहाँ पे आक्रमण करता है। वहाँ के राजा होते हैं उदय सिंह, तो आक्रमण करने के बाद उनको हराता है, मगर वो जो है उनकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं, मगर इनके साथ वो कोई शादी वाला संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अपना कब्जा कर लेता है। इस प्रकार से 1567 तक ये पूरा जो अजमेर और ये वाला क्षेत्र है राजस्थान का, इस पूरे क्षेत्र पे सारे राजपूतों को हरा करके या शादी करके या स्वाधीनता स्वीकार करा के पूरे क्षेत्र पे अकबर जो है अपना राज स्थापित कर लेता है। और 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप का भी ध्यान रखना, इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय है, मैं वो जो पिछला वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ राजपूतों के वीडियो में। तो ये महाराणा प्रताप से उसका युद्ध होता है, और अकबर की तरफ से हिंदू सेनापति जो मानसिंह था वो बहुत बड़ा सेनापति बना अकबर का आखिरी में। तो यहाँ से मानसिंह लड़ रहा था और आसफ खान लड़ रहा था। महाराणा प्रताप की तरफ से भी सिचुएशन थी, था उसका भी एक सेनापति मुसलमान था। तो अब ये देखो यहाँ पे हिंदू शासक है, मुसलमान शासक है, तो मुसलमान शासक की तरफ से भी हिंदू सेनापति लड़ रहा है और हिंदू शासक की तरफ से मुसलमान सेनापति लड़ रहा है, दोनों में युद्ध हो रहा है। इससे हमको साथ ही कुछ समझने की कोशिश करना है कि यहाँ धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था थी। बहुत जगह अभी हम आगे देखेंगे, वो पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो मुख्य लड़ाई थी वो शासन व्यवस्था की, धर्मों की लड़ाई भी चल रही थी मगर धर्मों की लड़ाई प्रमुख लड़ाई नहीं थी, प्रमुख लड़ाई थी शासन व्यवस्था की लड़ाई। इसलिए आप देखेंगे कि जो मुसलमान राजा थे उनके साथ भी हिंदू थे और जो हिंदू राजा थे उनके साथ भी मुसलमान थे, दोनों पक्षों में वो थे, सेनापति भी थे सेना में भी थे, यहाँ पे भी सेनापति भी थे सेना में भी थे, शासन व्यवस्था में भी थे। तो ये जो है संघर्ष जो चल रहा था वो धर्म से ज़्यादा संघर्ष जो है राज व्यवस्था का संघर्ष चल रहा था, ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद साथियों ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है इस पर भी वो अपना अभियान चलाता है अकबर। 1774 में बंगाल, 1581 में काबुल, ये पूरा बंगाल से सीधा जाते हुए ऐसे जो ये वाला अफगानिस्तान पाकिस्तान काबुल वाला हिस्सा है उस तरफ जाता है, तो उस तरफ भी जीतता हुआ आगे जाता है। 1586 में कश्मीर को जीतता है, 1572 में सूरत को जीतता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर का एक बड़ा साम्राज्य कायम हो जाता है। 1601 में असीमगढ़ का किला है, जो असीमगढ़ का किला पे जीत करता है और वो जो है अंतिम जीत होती है अकबर की। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और यहाँ से अकबर का कहानी खत्म हो जाता है। साथियों अकबर का एक पुत्र होता है जिसका नाम है सलीम, जिसको आगे जहांगीर कहा गया। अब साथियों अकबर का काफ़ी लंबा शासन व्यवस्था था,
इसमें उसने क्या क्या काम किए, उसके राज्य शासन के जो क्या क्या काम है उसके बारे में साथी फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। जो दास प्रथा चली आ रही थी, अकबर ने उस दास प्रथा को खत्म किया। मतलब राजा के रूप में पोलाइट नहीं था, मगर धर्म के रूप में पोलाइट था। वो सभी धर्मों के लोगों को सम्मान करता था, इसलिए इसने हिंदू धर्म के ऊपर जो तीर्थ यात्रा कर था लगा हुआ था, और तीर्थ यात्रा कर को हटा देता है। ये 1563 में हटाता है। उसके बाद 1564 में जो जजिया कर लगा था, जो जजिया कर हिंदुओं के ऊपर लगा था, जो बाबर ने लगाया था, उस जजिया कर को भी ये 1564 में हटा देता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसको बसाता है, नया शहर बसाता है, और उसमें एक बड़ा दरवाजा बनाता है जिसको बुलंद दरवाजा कहते हैं। आज भी इतिहास में हम बुलंद दरवाजा के नाम से इसको जानते हैं। 1575 में इसने इबादत खाना बनवाया था, तो इबादत खाना जो है ये इस्लाम के लिए बनवाया था। उसके बाद से 1578 में इसने सभी धर्मों के लिए खोल दिया। धर्मों के लोग बात बहस चर्चा ये सारी करते थे। और 1579 में एक मजहर की स्थापना की। मजहर का ये मतलब था कि तर्क के आधार पर धर्म के बारे में चर्चा करना, जिसमें सभी धर्मों के लोग तर्क के आधार पर अपना अपना वाद विवाद करते थे, जिसको ये अकबर सुनता था, और सुनने के बाद से फिर उसको समझता था कि कौन से धर्म में क्या है। 1580 में दहशाला बंदोबस्ती लागू की। दहशाला बंदोबस्ती क्या थी कि ये जो लगान लगती थी, लगान को पिछले 10 सालों में जो उपज हुई है उसका एक कैलकुलेशन बनाते थे, उसका फिर एवरेज निकाल के उससे लगान लेते थे। तो उससे किसान को बड़ी राहत हुई इससे, क्योंकि बीच में सूखा भी पड़ा, परेशान भी रहा हो, तो ये इससे किसान को बड़ी राहत हुई। तो ये नई व्यवस्था अकबर ने चालू की थी किसानों के लिए। 1582 में दीन ए इलाही ये धर्म को चलाया था, जिस धर्म 18 लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया था, जिसमें एक बीरबल भी था। इसमें एक अजीब सा नियम था कि आप पगड़ी उतार करके उसके पैरों में रखना है, फिर वो पगड़ी उठा करके इनको पहनाएगा, इस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट था। तो ये धर्म ज़्यादा चल नहीं पाया। सभी धर्मों का निचोड़ करके अकबर ने धर्म चलाने की कोशिश की, मगर इसके जो सिस्टम लगाए थे वो सिस्टम इस तरीके से थे कि आम लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए। 1583 में इसने इस्लामिक जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत कराई थी। 1585 में दिल्ली के साथ में लाहौर को राजधानी बनाया था, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसका जो पुत्र था सलीम, उससे दुखी था। सलीम बार बार विद्रोह कर रहा था। अभी उसकी जब हम कहानी उसके पुत्र की बताएंगे तो उसमें उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उसके अलावा साथी हम बात ये करते हैं कि क्या क्या सुधार किए। जो सुधार इसने कुछ नई नई चीज़ों को लागू किया उसी की बात करेंगे। पुरानी जो राजा व्यवस्था की मुगलों की पहले से चली आ रही है, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो पूर्व की थी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जो मुख्य सुधार जो इसने किए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसने साथियों सेना के अंदर एक नई व्यवस्था लागू की थी, जिसको कहा जाता था मनसबदारी की व्यवस्था। मनसबदारी की व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी, और मनसबदारी की व्यवस्था में दो बातें थी, एक तो जात और एक सवार। जात से मतलब होता उसका पद का नाम क्या होगा, किस स्तर का पद होगा, और पद के आधार पर घोड़े पालने की। जो सवार क्या था, कितने घोड़े होंगे। जैसे अगर कौन सा कितनी जात का अधिकारी है, उसको जात का नंबर में करते थे, उसके आधार पर फिर उतने घोड़े पालने का उसको आधार, उतने घोड़ों की सेना उसके पास होगी जिसको व्यवस्थित करेगा। तो इस तरीके से सेना का जो है एक ताकतवर सेना बनाने के लिए अकबर ने ये नई व्यवस्था शुरू की थी। और जो ये मनसबदार होंगे, बाद में जैसे युद्ध होगा तो ये सारे मनसबदार अपनी पूरी सेना लेकर के युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे। तो ये पद थे। बाद में ये जो मनसबदारी के पद हैं, सभी प्रशासन व्यवस्था में भी मनसबदारी व्यवस्था लागू हो गई थी। ये सेना से शुरू हुई थी और सभी जगह ये मनसबदार का भर्ती शुरू हो गया था। तो मनसबदारी की व्यवस्था अकबर लेके आए थे। उसके बाद में साथ ही उसने घोड़ा दागने की व्यवस्था शुरू की थी, जो जैसी खिलजी वाले में थी। हुलिया लिखने की व्यवस्था की थी। ये खिलजी की जो सेना की कॉपी बहुत सारे राजाओं ने की। उसके बाद से साथ ही इसने सजदा और पैरोस उसकी व्यवस्था भी चालू की थी, जो बलवन ने की थी बीच में।
जो समाज सुधार किए थे साथी, उसमें 1562 में दास प्रथा को खत्म किया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा साथी इसने बहु विवाह प्रथा जो थी उस पर भी रोक लगाई थी, कि एक आदमी जो बहुत सारी शादियां करता था उस पर भी रोक अकबर ने लगाई थी। विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित उसने किया था और सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। बाल विवाह को बारे में भी रोक लगाई थी उसने, और इसने घोषित किया था, पहली बार घोषित हुआ था कि पुरुष जो लड़का 16 साल का होना चाहिए और लड़की कम से कम 14 साल की होना चाहिए, जो 14 की जगह अभी 18 हो गया। अकबर के शासन तक लड़की का कोई उम्र नहीं था, कितनी उम्र में उससे शादी, 10 साल 12 साल 8 साल, तो जो उम्र शादी का था उसने 14 साल तय किया था, लड़के का 16 साल और लड़की का 14 साल। तो ये बाल विवाह और बाकी चीज़ों को रोकने के लिए भी अकबर ने बहुत सारे काम किए थे। उसके साथ में साथ ये बाल हत्या जो राजाओं की प्रथा थी, राजा जो बच्चियां पैदा होती थी, क्योंकि लड़कियां जो पैदा होती थी उनकी हत्या कर देते, ये बच्चियों की जो हत्या का जो चल रही थी उसके ऊपर भी उसने प्रतिबंध लगाया था। बाद में ये अभी तक चला राजस्थान में खास तौर से, कि किसी बड़े घराने में राजघराने में बच्ची होती थी उसको जहर दे के मार देते थे पैदा होते ही। तो ये बड़ा अजीब सी हालत थी जिस पर भी अकबर ने रोक लगाई। कुरीतियों को भी, बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिसको रोकने का उसने कोशिश किया। उसके साथ में साथ ही वैश्याला जो थे उनको शहरों से या गांव से दूर किया, बाहर पहुँचाए। जहाँ और वैश्याला बनाए गए उसको कहा गया शैतानपुरी, और यहाँ तक था कि कौन कौन वहाँ जा रहा उसका नाम लिखो। तो इस तरीके से जो वैश्याला थे जो इसको रोकने का कोशिश किया, मगर इसने इसमें सुधार किया कि शहरों से उसको अलग किया। भूमि सुधार में बहुत सारे इसने सुधार किए, जैसे हमने आप दशाला बंदोबस्ती के बारे में बताया, और इसका 1/3 जो है वो लगान लेता था। जब्ती प्रणाली लागू की थी वो अकबर ने की थी। इसने जो निर्माण कराए थे उसमें जो प्रमुख निर्माण हैं, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी जो शहर है, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा, पिता का मकबरा बनवाया था, हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो ये प्रमुख है इसके जो है, जो आज भी हमारे पास ऐतिहासिक रूप से आज भी ये सारे निशान या ये सारी इमारतें आज भी खड़ी हुई हैं। तो ये अकबर के जो है मुख्य निर्माणकारी थे। चित्रकला में बहुत सारा नया विकास हुआ, नई तरीके की चित्रकला लेके आए, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ये खुद नगाड़ा बजाता था, नगाड़े बजाने में बहुत मास्टर था, और इसकी जो सभा थे उसमें 9 रत्न थे, 9 लोग थे जिनको 9 रत्न कहते थे। इनकी जो सभा थी उसमें 9 रत्नों में एक पहला था जिसको बीरबल कहते हैं, बीरबल को उपाधि मिली थी बीरबल की, मगर नाम उसका भगवान दास था। एक था अब्दुल रहीम खान खाना, एक कवि था और साहित्यकार था। एक था अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखा, ये इतिहासकार था। एक था फैजी, एक मानसिंह था, और राजा मानसिंह जो सैन्य व्यवस्था का प्रमुख था और सेनापति था। एक था टोडरमल जिसने भूमि सुधार किए थे बहुत सारे। एक था मुल्ला दो प्याजा, ये बहुत ही बुद्धिमान आदमी। एक था हकीम इमाम, ये रसोई घर का प्रमुख था। ऐसे करके 9 लोग थे जो अकबर की 9 रत्न कहे जाते थे, और पूरी शासन व्यवस्था को ये संभालते थे। ताकि हम जो है अकबर के बारे में हमने मुख्य तथ्य आपको बताए हैं, डिटेल्स में नहीं बताया है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, और साथ में हम बहुत ही अब थोड़ा सा हमको आगे भी बढ़ना है, इसलिए हम अकबर के बारे में जो मुख्य तथ्य हैं उसको आपके सामने रखे। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं साथियों, और आपसे निवेदन ये करते हैं कि आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, दर्शन सीज के सीरीज के सारे वीडियो जरूर सुने। इसके साथ में निवेदन है, यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इनको शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं साथियों। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।